प्रणाम दीदी। प्रणाम भैया, की समाचार है भैया? समाचार तो सब ठीक है दीदी। सवरना सबुआन धान के रोपनी के बारे में ना कहले रही, टाइम देले रही, देखे कि केना रोपनी होतै, ओकर की विधि व्यवस्था है, वह समझे लिए। सवरना सवन धान के लेल जे कहने रहिए, पूरा व्यवस्था भेल है। हां आ ये रोपतै, आजे रोपतै जी भैया। चलू देखा दे छी। चलू ना, तो हम समय से आ गेली है ना जी भैया। अच्छा दीदी, धान के रोपनी के बारे में समझे से पहले थोड़ा अपन परिचय दे देती तो ठीक रहत। ठीक बता दे छी भैया। नाम बिना देवी, घर बक्ची, ब्लॉक कटरा, जिला मुजफ्फरपुर, पंचायत बसगट्टा। देखो भैया, एमे खेत जोता रहल। अच्छा दीदी, एमे खाद पड़तै आब। एमे खाद पटबै जी, जोता जाइ छै तब खाद पड़तै। खेत में खाद डालने से पहले खेत को अच्छी तरह 2 से 3 बार जुताई कर लेना चाहिए। चार कट्ठा हमर खेत है। अच्छा। में कितना खाद पड़ता है से देख लुआ। अच्छा अच्छा ठीक है दीदी, हम देख लेते हैं। DAP 5 किलो 700 ग्राम, यूरिया 4 किलो 600 ग्राम। अच्छा अच्छा मात्रा है खाद के जी भैया। ठीक है, पटाव से 2 किलो 200 ग्राम भैया। अच्छा, और जिंक है 1 किलो 600 ग्राम। चार कट्ठा खेत में खाद की मात्रा DAP 5 किलो 700 ग्राम, यूरिया 4 किलो 600 ग्राम, पोटाश 2 किलो 200 ग्राम, जिंक 1 किलो 600 ग्राम। ध्यान दें, जिंक को अन्य खाद के साथ नहीं मिलाना चाहिए। जिंक को अन्य खाद में मिलाने से खाद का मिश्रण गलने लगता है। खाद डालने के बाद और रोपनी से पहले खेत में हेंगा मारना चाहिए, जिससे खेत समतल हो जाए। खेत तैयार है, खाद छिटा गेलै से अहाँ देखिए लेलिए। हाँ हाँ, खाद तो सामने ही में छिटल है, अब रोप रहल छी। ठीक है, रोप। एक बात समझ लियो भैया। हाँ दीदी। कि 6 इंच पर पेड़ से पेड़ होके चाहिए, या लाइन भी होके चाहिए 6 इंच। अच्छा अच्छा, माने 15 सेंटीमीटर के दूरी पर पौधा से पौधा और लाइन से लाइन के दूरी होके चाहिए। हाँ भैया। ठीक है दीदी, हम समझ गए। देखिए विजय भैया। हाँ दीदी। 6 इंची दूरी पर रोपा रहल है। 6 इंची के दूरी पर पौधा से पौधा लागल जी भैया। लाइन से लाइन 6 इंची है भैया, लाइन के दूरी भी 6 इंची है जी भैया। ठीक ठीक, धान के रोपनी के बारे में इतने कुछ हमरा बतैली, एहि के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। धन्यवाद भैया।